बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 और ये हमारी बुक का सेक्शन 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब है कि फिजियोलॉजी जो हमने ब्रांच पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके हम फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? न्यूट्रिशन से ये है कि हमारी बॉडी सब्सटेंसेस को यूज़ करे, कोई ऐसी चीज़ों को, कोई ऐसे केमिकल्स, कोई ऐसे मटेरियल, कोई ऐसे कंपाउंड्स को इस्तेमाल करे, उसको ले, उसको खाए, उसको अब्जॉर्ब करे या फिर उसको बनाए, कोई बनाते भी हैं खुद ब खुद बना, वो बनाए, उसको अब्जॉर्ब करे, उसको इस्तेमाल करे, एनर्जी हासिल करे, उसे अपना अपनी ग्रोथ करे, अपना बढ़े फूले। तो क्या है कि ये सारा काम जो करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बॉडी का हिस्सा बनाते हैं, बॉडी का हिस्सा बनाने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, सारा किसके अंदर पढ़ते हैं हम? न्यूट्रिशन के अंदर। इसकी डेफिनेशन पढ़ें, अ प्रोसेस इन विच फूड ऑब्टेन, या फूड को ऑब्टेन किया जाता है, फूड को लिया जाता है, प्रिपेयर या फिर उसको बनाया जाता है, या उसको बनाते हैं या उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर अब्जॉर्ब, उसको अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, उसको अपनी बॉडी के सब्सटेंस के अंदर चेंज कर दिया जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। फिर उस स्टोर करने के बाद ये किया जाता है कि उस सब्सटेंसेस से हम एनर्जी लेते हैं, उस सब्सटेंसेस से हम अपनी मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करते हैं ताकि हम अपना जिस्म के फंक्शन सही तरह कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म एनर्जी। क्या है कि जो केमिकल्स, जो चीज़ें, जो फूड के पार्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम ग्रो करते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं, वो तमाम केमिकल्स, वो तमाम कंपाउंड्स, वो तमाम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये न्यूट्रिशन की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया गया है कि न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं ऑर्गेनिज्म्स, उसकी बुनियाद पे दो हिस्से कर दिए गए हैं न्यूट्रिएंट्स के, ऑर्गेनिज्म्स के। एक कौन से हैं? ऑटोट्रॉफ्स, एक कौन से हैं? हेटरोट्रॉफ्स। अब जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो न्यूट्रिशन है, इनका जो न्यूट्रिशन है, इनका न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का जरिया वो मुख्तलिफ है। हेटरोट्रॉफ्स हैं, इनका न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का जरिया वो मुख्तलिफ है। पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो वाले हैं जो खुद ब खुद फूड तैयार करते हैं सूरज की रोशनी में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी था फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो वो क्या करते हैं सूरज की रोशनी के अंदर प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया है और साथ में कुछ प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ये क्या करते हैं? एल्जी आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? सूरज की रोशनी के अंदर अब फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद ब खुद तैयार करते हैं। ठीक हो गया। तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। कैन प्रोड्यूस फूड, वो अपने प्रोड्यूस फूड को प्रोड्यूस कर देते हैं फ्रॉम सनलाइट ऑन देयर ओन, अपने खुद के ऊपर, उनको किसी चीज़ की जरूरत भी नहीं होती, किसी एनर्जी की जरूरत और किसी की जरूरत नहीं होती, किसी को खाने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह लेते हैं एटमोसफेयर से, इनऑर्गेनिक चीज़ें, इनऑर्गेनिक चीज़ें से उनको मिला के सूरज की रोशनी के अंदर कम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं, फूड बना देते हैं, वो क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफ। और दूसरा होते हैं हेटरोट्रॉफ, ये होते हैं ना कोई काम करना, बल्कि है कि अपने अपनी खुराक इन्होंने खुद तैयार नहीं करनी, ये तो बड़े मेहनती हैं, लेकिन ये है कि ये मेहनती नहीं है, इन्होंने मेहनत करनी है लेकिन दूसरों की चीज़ें चुराने में। जैसे इन्होंने फूड बनाई, हेटरोट्रॉफ्स ने खुद बनाने के बजाय इन्होंने क्या करना है? दूसरों से लेनी है। खुद ही अपनी फूड खुराक तैयार नहीं कर सकते, एनिमल्स हैं, फंजाई है और काफ़ी ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या है? अपने प्लांट्स, ये अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते। जब अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने दूसरों की जो खुराक बनाई होगी जिन्होंने, उनसे वो खुराक लेनी है, या ये उनको खा लेंगे या उनसे उनकी खुराक ले लेंगे। ठीक है, अब ये ऑटोट्रॉफ्स को खा लेंगे या किसी दूसरे हेटरोट्रॉफ्स को खा लेंगे, जिन्होंने ऑटोट्रॉफ्स को खाया हो तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को खाते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं, उनसे अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे करते हैं। टू मच प्रोड्यूस फूड टेक फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक लेते हैं। ठीक हो गया, ये आ जाते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ये था हमारा इंट्रोडक्शन किसका? न्यूट्रिशन का। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।